Getting started with Scilab के spoken tutorial में खुशामदीद। इस tutorial में हम सीखेंगे Scilab को एक calculator के तौर पर इस्तेमाल करना, एक variable में values को store करना, इन variables का इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ mathematical operations अंजाम देना, current working directory में session के दौरान execute किए गए commands को जमा करने के लिए file बनाना, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिफाइन करना, नंबर्स पर एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक और ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेशंस अंजाम देना। इस ट्यूटोरियल के लिए पहली जरूरत साइलैब है जो आपके कंप्यूटर पर नसब होना चाहिए। मैं मुजाहिरे के लिए साइलैब 5.2.0 और मैक ओएस एक्स इस्तेमाल कर रहा हूँ। यहाँ ट्यूटोरियल के लिए फ्लो चार्ट दिया गया है। अपने डेस्कटॉप पर साइलैब शॉर्टकट आइकन पर क्लिक करें और साइलैब शुरू करें। ये साइलैब कंसोल विंडो है। तवज्जा दीजिए कि कर्सर कमांड प्रॉम्प्ट पर है। मैं मशवरा देता हूँ कि आप बाकायदा वक्फों पर वीडियोस को रोककर साथ में साइलैब में इस ट्यूटोरियल की मशक करें। साइलैब को कैलकुलेटर के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। कुछ बुनियादी ऑपरेशंस हैं जो ये कर सकता है। टाइप करें 42 plus 4 multiplied by 4 minus 64 divided by 4 और एंटर दबाएं। आउटपुट हस्बतवक्का 42 है। नोट करें कि जवाब 42 डिफॉल्ट वेरिएबल ans में स्टोर यानी जमा हो जाता है। हम नाम वाले वेरिएबल्स भी बना सकते हैं। टाइप करें a equal to 12, b equal to 21, c equal to 33 और एंटर दबाएं। ये वेरिएबल्स a, b और c में बिलतरतीब 12, 21 और 33 वैल्यूज स्टोर करता है। मैं यहाँ clc कमांड इस्तेमाल करते हुए साइलैब कंसोल को साफ करूँगा। अब हम इन वेरिएबल्स का इस्तेमाल करते हुए कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस करेंगे। मिसाल के तौर पर a plus b plus c का नतीजा 66 हासिल होता है। इसी तरह a times ब्रैकेट में b plus c का नतीजा 648 हासिल होता है। हम एक दूसरे वेरिएबल वैल्यू d को भी जवाब तफवीज कर सकते हैं। d equal to ब्रैकेट a plus b close bracket multiplied by c टाइप करके d equal to 1089 जवाब मिलता है। हम कमांड लाइन पर कॉमा से अलाहिदा किए हुए वेरिएबल्स के नामों को टाइप करके वेरिएबल्स में वैल्यूज की जांच कर सकते हैं, जैसे a कॉमा b कॉमा c कॉमा d और एंटर दबाएं। मैं यहाँ clc कमांड इस्तेमाल करते हुए कंसोल साफ करूँगा। पावर लगाने के लिए रेज टू निशान का इस्तेमाल करें जो आपके कीबोर्ड की नंबर 6 की पर वाका है। इस निशान का इस्तेमाल करने के लिए शिफ्ट की के साथ नंबर 6 की दबाएं। मिसाल के तौर पर 7 स्क्वायर 7 रेज पावर 2 से हासिल किया जा सकता है। एंटर दबाएं। एक तादाद मसलन 17 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं 17 का SQRT। ये 17 रेज्ड टू पावर 0.5 के जैसा ही है। रिवायत के मुताबिक आउटपुट के तौर पर सिर्फ मुस्बत वैल्यू हासिल होती है। आमतौर पर 34 रेज्ड टू पावर 2/5 निकालने के लिए टाइप करें 34 रेज्ड टू ब्रैकेट खोलें 2/5 ब्रैकेट बंद करें और एंटर दबाएं। माइनस यानी मनफी रेज्ड टू पावर का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। सीएलसी कमांड इस्तेमाल करते हुए कंसोल साफ करें। अब तक आपने देखा कि कुछ आसान कैलकुलेशंस किस तरह की जाती हैं और साइलैब में वेरिएबल्स किस तरह बनाते हैं। अब हम नई कमांड के साथ शुरू करते हैं। ये इन कमांड्स को याद रखने में मदद करेगा जो गुज़िश्ता आउटपुट के साथ जारी किए गए थे। सबसे पहले कमांड pwd टाइप करें और एंटर दबाएं। ये मेरे कंप्यूटर पर करंट वर्किंग डायरेक्टरी है।
ये आपके कंप्यूटर पर मुख्तलिफ हो सकती है। करंट वर्किंग डायरेक्टरी को साइलैब कंसोल विंडो के टूल बार पर वाका करंट डायरेक्टरी आइकन पर क्लिक करके तब्दील किया जा सकता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब दरजेल टाइप करके डायरेक्टरी कमांड जारी करें। डायरी ब्रैकेट ओपन इनवर्टेड कॉमास माय रिकॉर्ड डॉट टीएक्सटी क्लोज इनवर्टेड कॉमास क्लोज द ब्रैकेट और एंटर दबाएं। ये कमांड करंट वर्किंग डायरेक्टरी में माय रिकॉर्ड डॉट टीएक्सटी नाम की एक फाइल बनाएगी। अब के बाद साइलैब ऑप्शन की एक ट्रांसक्रिप्ट यानी नकल इस फाइल में सेव हो जाएगी। इसकी अफादियत का मुजाहिरा इस ट्यूटोरियल में अगली सतह पर किया जाएगा। अब ट्यूटोरियल रोक दें और वीडियो के साथ दिए गए नंबर 1 की मशक करें। अब हम देखते हैं कि साइलैब कॉम्प्लेक्स नंबर्स पर किस तरह काम करता है। एक ख्याली यूनिट आई साइलैब में परसेंट आई के तौर पर डिक्लेयर किया गया है। मिसाल के तौर पर 5.2 मल्टीप्लाइड बाय परसेंट आई का नतीजा 5.2 आई हासिल होता है। इसी तरह ब्रैकेट 10 प्लस 5 इनटू परसेंट आई पूरे को 2 टाइम्स परसेंट आई से मल्टीप्लाई करें नतीजा -10 प्लस 20 पॉइंट आई देता है। अब यहां कंसोल क्लियर करें। हम साइलैब में पहले से दस्तियाब कुछ दूसरे न्यूमेरिकल यानी अददी कांस्टेंट्स देखते हैं। आई की मानिंद ही इनके नाम भी परसेंट निशान के साथ शुरू होते हैं। मिसाल के तौर पर परसेंट पाई, पाई की वैल्यू हस्बतवक्का ही है। अब हम कुछ बिल्ट इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनों का इस्तेमाल करते हुए पाई के इस्तेमाल का मुजाहिरा करेंगे, जो दरजेल है। फंक्शन साइन ऑफ परसेंट पाई बाय 2 का नतीजा 1 है और कॉस ऑफ परसेंट पाई बाय 2 का नतीजा 6.123d-17 है। नोट करें कि जाविये को रेडियन में मापा जाता है और नोट करें कि तमाम तजुर्बाती मकासिद के लिए दूसरा जवाब 0 है। परसेंट ईपीएस मशीन एप्सिलॉन नामी नंबर से वाबस्ता है। ये मिनिमम डिजिट रेजोल्यूशन है जो साइलैब दे सकता है। अपने कंप्यूटर पर इसकी वैल्यू मालूम करने के लिए कंसोल पर परसेंट ईपीएस टाइप करें। मेरे कंप्यूटर पर ये 2.220d-16 देता है। ये साइलैब की तरफ से इस्तेमाल किए जाने वाली फ्लोटिंग पॉइंट प्रेसिशन का इजहार करता है। ये तादाद 2.22 टाइम्स 10 रेज्ड टू पावर ऑफ -16 के बतौर अलामत है। अब कंसोल क्लियर करें। अगर कोई शख्स 0.000456 लिखना चाहता है, तो वो इसे 4.56d-4 या 4.56e-4 के तौर पर लिख सकता है। जबकि साइलैब के वेरिएबल और फंक्शंस के सेंसिटिव होते हैं, फिर भी हम यहां स्मॉल डी या कैपिटल डी या स्मॉल ई या कैपिटल ई का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेचुरल लॉगरिथम की बुनियाद एक और अहम पहले से तयशुदा न्यूमेरिकल यानी अददी कांस्टेंट है। परसेंट ई मुतवक्का नतीजा देता है। हम फंक्शन exp का इस्तेमाल करते हुए यही नतीजा हासिल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर exp ब्रैकेट खोलें 1 ब्रैकेट बंद करें और एंटर दबाएं। आप देख सकते हैं कि दोनों जवाबात एक जैसे हैं। clc कमांड इस्तेमाल करते हुए कंसोल क्लियर करें। इसी तरह परसेंट e स्क्वायर मंदरजा ज़ैल जवाब फराहम करता है।
जो exp of 2 टाइप करके भी हासिल किया जा सकता है। कमांड log का मतलब किसी नंबर का नेचुरल यानी कुदरती लॉगरिथम है, यानी बेस e में। बेस 10 के तनाजुर में लॉगरिथम लेने के लिए log 10 का इस्तेमाल करें। मिसाल के तौर पर log 10 ब्रैकेट खोलें 1e minus 23 ब्रैकेट बंद करें और एंटर दबाएं। ये हस्बितवक्का minus 23 जवाब पेश करता है। हमें मनफी नंबर्स का लॉगरिथम लेते वक्त कंप्लेक्स नंबर्स हासिल होते हैं। कंप्लेक्स नंबर्स के लिए आप ये चेक कर सकते हैं। आप साइलैब कंसोल पर टाइप करें log of minus 1 या log of percent i। अब याद करें कि हमने डायरेक्टरी कमांड के जरिए फाइल myrecord.txt में टाइप किए गए तमाम कमांड्स की एक रिकॉर्डिंग बना ली है। अब देखें कि इस फाइल को किस तरह बंद करते हैं और देखते हैं। फाइल को बंद करने के लिए टाइप करें diary of zero। ये कमांड फाइल myrecord.txt को बंद करेगी और सेव करेगी। इसके अलावा ये भी याद रखें कि इस फाइल को करंट वर्किंग डायरेक्टरी में बनाया गया था, जो मेरे केस में डेस्कटॉप है। आप साइलैब कंसोल विंडो टूलबार पर एक ओपन अ फाइल शॉर्टकट आइकन पर क्लिक करके इस फाइल को खोलते हैं। मैं तमाम फाइलों के लिए फाइल फॉर्मेट तब्दील कर दूंगा। फाइल myrecord.txt मुंतखब करें और ओपन पर क्लिक करें। नोट करें कि तमाम ट्रांजैक्शंस साइलैब की तरफ से दी गई कमांड्स और मुतलका जवाबात दोनों को ही इस फाइल में सेव किया गया है। मैं इस फाइल को बंद करूंगा। यस पर क्लिक करें। हम जानते हैं कि एक प्रोग्राम तैयार करते वक्त हम एक मुनासिब कोड पर पहुंचने से पहले कोड के साथ बहुत से तजुर्बे करते हैं। डायरी कमांड तमाम ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रखने में मदद करती है। अगर आपको याद होगा कि हमने डायरी ऑफ जीरो कमांड इस्तेमाल करते हुए myrecord.txt फाइल को बंद कर दिया था। नोट करें कि इस कमांड को एग्जीक्यूट किए जाने के बाद कोई भी ट्रांजैक्शन सेव नहीं की जा सकती। अगर हमें एक बार दोबारा ऑप्शन को सेव करने की जरूरत हो, तो हमें दोबारा डायरेक्टरी कमांड जारी करने की जरूरत होती है। अगर फाइल कुछ मुफीद मालूमात पर मुश्तमिल हो, तो हमें डायरेक्टरी कमांड में किसी दूसरी फाइल का नाम इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इसी नाम के इस्तेमाल से मौजूदा फाइल ओवरराइट हो जाएगी। यहां वीडियो रोकें और वीडियो के साथ दी गई दूसरी मशक को हल करें। आप देख सकते हैं कि इस मसले का हल मुकम्मल सिफर नहीं था। इसके साथ किस तरह निमटते हैं, इस पर मजीद मालूमात के लिए टाइप करें help clean। आम तौर पर अगर आपको किसी खसूसी कमांड में मदद की जरूरत हो, तो एक आर्गुमेंट के साथ help या खाली help का इस्तेमाल किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर साइलैब कंसोल पर help chdir टाइप करें और एंटर दबाएं। मैं help ब्राउजर के साइज को बढ़ाऊंगा। help chdir करंट वर्किंग डायरेक्टरी को तब्दील करने के बारे में तफसीली मालूमात फराहम करता है। एक और ऑप्शन साइलैब कंसोल विंडो के टूल बार में help ब्राउजर आइकन पर क्लिक करना है, जैसा कि आप देख सकते हैं। help ब्राउजर बंद करें और वापस स्लाइड पर आएं। अप डाउन एरो कीज का इस्तेमाल गुज़िश्ता इस्तेमाल की गई कमांड्स को देखने के लिए किया जा सकता है। अप डाउन एरो का इस्तेमाल करते हुए आप किसी भी कमांड पर रुक सकते हैं और इसको एग्जीक्यूट करने के लिए एंटर दबाएं। अगर जरूरी हो तो आप कमांड्स को एडिट भी कर सकते हैं। अगर आप खुद की तरफ से टाइप की गई गुज़िश्ता कमांड देख रहे हैं जो हरफ ई से शुरू हुई थी, तो ई टाइप करें और फिर एरो की इस्तेमाल करें।
कमांड को खुदकार तरीके से मुकम्मल करने के लिए टैब की का इस्तेमाल करें। ये हमें मुंतखब करने के लिए तमाम दस्तियाब ऑप्शंस फराहम करता है। इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा कैलकुलेटर के तौर पर साइलैब का इस्तेमाल, डिफॉल्ट वेरिएबल ANS में नतीजे को सेव करना, इक्वालिटी निशान का इस्तेमाल करते हुए वेरिएबल के लिए वैल्यू मुकर्रर करना, कंसोल पर कॉमा का इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ वेरिएबल्स के नाम टाइप करते हुए वेरिएबल्स में वैल्यूज की जांच करना, PWD कमांड इस्तेमाल करते हुए करंट वर्किंग डायरेक्टरी चेक करना, कंसोल पर टाइप हुए तमाम कमांड्स को एक फाइल में सेव करने के लिए डायरी कमांड इस्तेमाल करना, बिलतरतीब %pi, %i, %e इस्तेमाल करते हुए कॉम्प्लेक्स नंबर्स, नेचुरल एक्सपोनेंट्स और पाई की वजाहत करना, किसी भी कमांड के बारे में तफसीली मालूमात के लिए हेल्प कमांड इस्तेमाल करना। अब गेटिंग स्टार्टेड विद साइलैब ट्यूटोरियल खत्म होता है। साइलैब में बहुत से दूसरे फंक्शंस हैं जिन्हें दीगर स्पोकन ट्यूटोरियल्स में दिखाया जाएगा। ये स्पोकन ट्यूटोरियल मुफ्त और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इन साइंस एंड इंजीनियरिंग एजुकेशन फॉसी की तरफ से बनाया गया है। फॉसी प्रोजेक्ट पर मजीद मालूमात fossi.in या scilab.in वेबसाइट से हासिल की जा सकती है। ये प्रोजेक्ट हुकूमत हिंद के MHRD के ICT के जरिए कौमी खानदगी मिशन की तरफ से हिमायत शुदा है। इसके बारे में मजीद मालूमात के लिए spoken-tutorial.org/nmeict-intro पर जाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस स्पोकन ट्यूटोरियल को मुताले के लिए मुफीद पाया होगा। IIT बॉम्बे से मैं वजाहत अहमद आपसे रुखसत लेता हूं। शुक्रिया।